This is Himanshu Mahatma from GWPC Bikaner. Today we are going to study about fax transmitter. जैसा कि हम देख सकते हैं कि fax transmitter में कई सारे parts होते हैं जो कि एक paper से image form को scan करके उसे electrical form में convert करके किसी दूसरी जगह पे electronic form में भेजा जाता है और वहां से उसको वापस रिसीव करके उसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्कैनर, मॉड्यूलेटर और कुछ सिग्नल्स जो हम जनरेट करते हैं इसके रिलायबल ऑपरेशन के लिए। फर्स्ट पार्ट है स्कैनर। इसके अंदर एक ड्रम है जिसके ऊपर हम कागज को लपेटते हैं। इस ड्रम के ऊपर हम दो लाइट सोर्स, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, दो लैंप्स हम यूज कर रहे हैं। इन लैंप से लाइट को जनरेट करके लेंसेज के द्वारा एक पॉइंट पे फोकस किया जाता है। ये पॉइंट लाइट के द्वारा इल्यूमिनेट होता है और कागज पे जो भी लिखावट है उसके हिसाब से अलग अलग क्वांटिटी में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वाइट पार्ट है वो ज़्यादा मात्रा में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और ब्लैक पार्ट जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जहाँ पे भी पेपर पे ब्लैक पार्ट है वहाँ पर लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और वो रिफ्लेक्शन कम देगी। तो इस तरीके से ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके एक लेंस के द्वारा फोटोडायोड में जाती है, लेकिन फोटोडायोड से पहले इसको एक चॉपर डिस्क के द्वारा 7200 साइकल्स पर सेकंड के फॉर्म में ऑप्टिकली चॉप किया जाता है, या हम कह सकते हैं ऑप्टिकली मॉड्यूलेट किया जाता है। वहां से ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद इसको मॉड्यूलेट किया जाता है। मॉड्यूलेशन करने से पहले हम इसको हाई पास फिल्टर के थ्रू फिल्टर करेंगे जो कि 5000 साइकिल पर सेकंड पे सेंटर्ड है। इसको हम मॉड्यूलेट करके 8500 साइकिल्स पर सेकंड से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के बाद जो भी वेव्स इसमें से आउटपुट होंगे उसको हम वापस से लो पास फिल्टर के द्वारा फिल्टर कर लेंगे, जिससे कि सिग्नल ट्रांसमिट होने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ से हम इस पॉइंट पे इसको हम आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फेजिंग और सिंक्रोनाइजेशन के लिए कुछ सिग्नल्स की और आवश्यकता होती है, जिनको भी हम अलग से जनरेट करते हैं। तो इसके लिए जो ड्रम हम यहाँ यूज ले रहे हैं उसको रोटेट करने के लिए हम एक फोनिक मोटर यूज ले रहे हैं। ये फोनिक मोटर एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू कंट्रोल होती है। तो यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं 1020 साइकल्स पर सेकंड की और उससे इस फोनिक मोटर को हम रोटेट करवा रहे हैं। तो इस साइकल्स या इस फ्रीक्वेंसी को हम इस पार्ट में यहाँ पर ट्रांसमिट करते हैं ताकि सेम फ्रीक्वेंसी पे हम ड्रम को रिसीवर में घुमा सकें या यूज ले सकें। साथ में पेपर का जो स्टार्ट है उसको मार्क करने के लिए हम एक 1300 साइकल्स पर सेकंड का सिग्नल्स और जनरेट करते हैं और इस ड्रम के किनारे पे एक क्लिप सिस्टम लगा हुआ है। ये पेपर के स्टार्ट में लगा हुआ है, तो जैसे ही ये रोटेट करके इनिशियल पोजीशन पर आता है तो ये क्लिप इससे टच हो जाती है और इन कॉन्टैक्ट्स को ये आपस में मेक कर देती है। तो इससे ये 1300 साइकल्स पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी यहाँ से होते हुए इस स्विच में आगे प्रोपगेट कर जाती है। तो जहां पर भी ये पेपर स्टार्ट होगा वहां पर ये सिग्नल इस फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, छोटी बर्स्ट के फॉर्म में इसमें मिलता है हमें। साथ में ये डायरेक्ट सिग्नल 1300 साइकल्स पर सेकंड हम सीधा भी देते हैं और एक पार्ट में हम इन दोनों का मिक्स सिग्नल यानी 1020 साइकल्स पर सेकंड और 1300 साइकल्स पर सेकंड का सिग्नल आपस में मिक्स करके भी हम एक पॉइंट पे यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं ताकि रिसीवर इन सिग्नल्स को यूज करते हुए करेक्टली इसको वापस से डिकोड कर सकें। तो इस तरह से हम फैक्स सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। थैंक यू।